हैप्पी संडे। नैश सीरीज़ की जो अगली दवा है वो है ओपियम। जब मैं एसिड फॉक्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था तो ओपियम के सेंसरी लॉस के बारे में मैंने बताया था कि ये सभी दवाओं को सुपर पास करती है। पेशेंट कोमे की कंडीशन में रहता है, स्टर्टोरियस ब्रीदिंग, डीप गैस्पिंग, हैवी ब्रीदिंग, लेटा रहेगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा और गैस्पिंग हैवी ब्रीदिंग रहेगी, पैरालिसिस या फिर सेमी पैरालिसिस ऑफ द नर्व्स, स्लीपी बट कैन नॉट स्लीप, नींद आएगी, सोने का मन होगा लेकिन छोटी छोटी चीज़ें उसे डिस्टर्ब करती हैं, बगल के कमरे में भी अगर घड़ी की टिक टिक हो रही है तो वो उसे सुनाई देगी जो आमतौर पर हम नहीं सुन पाते, और ये सारी चीज़ें उसे डिस्टर्ब करती हैं। छोटे बच्चे जो बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, ओपियम 10 mg देने से झूठ बोलना बंद कर देंगे। बच्चों के कॉन्स्टिपेशन में, एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन में और रिटेंशन ऑफ यूरिन में बहुत ही अच्छी दवा है ये। पेनलेसनेस, जितनी भी तकलीफें रहेंगी, जो भी तकलीफें रहेंगी, विदाउट पेन रहेंगी, दर्द नहीं होगा। मैंने बनारस में डॉक्टर आशीष सिंह की क्लिनिक पर देखा था पैरालिसिस के पेशेंट को, पैरालिसिस थी लेकिन कोई भी पेन नहीं था और उन्होंने ओपियम 1 mg हर आधे घंटे पे 4 से 6 खुराक दिया होगा और मरीज 3 से 4 घंटे में ठीक हो गया। ये होता है इम्पोर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स का। रिवर्स्ड पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट, आंतों का जो मूवमेंट होता है वो उल्टा हो जाता है और उसकी वजह से नीचे से सारी चीज़ें ऊपर की तरफ आने लगती हैं और अंत में वोमिटिंग हो जाती है, यहाँ तक कि फीकल मैटर भी वोमिट हो जाते हैं, उल्टी हो जाती है मोशन की। वेरी हॉट स्किन बताई था, जो शरीर होती है वो इतनी गर्म होती है कि जिस साइड सोता है उस तरफ का हिस्सा एकदम गर्म मालूम देने लगता है और बार बार पोजीशन चेंज करता है ठंडी जगह की तलाश में। चेहरा लाल हो जाता है, फूला हुआ रहता है, स्टूपिड ब्लॉटेड फेस, रेड फेस, आँखें लाल हो जाती हैं और ऐसा लगता है जैसे ब्लड शॉक हो। ये कंप्लीट पिक्चर मिलता है हमें कई कंडीशंस में, स्पेशली पैरालिसिस, कोमेटोस और स्टूपर में। थैंक यू।